Hello everyone, welcome to Vaishnavi Education. In this particular video of today, I will be discussing a very important topic for your NTA UGC NET syllabus, paper code 55. यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की. दो एक और लेक्चर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, बट दिस लेक्चर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है पेपर का, और जिस रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आईएलओ से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे अभी 2019 दिसंबर के पेपर में, और आगे भी क्वेश्चंस इससे बनेंगे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. तो किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से आस्पेक्ट्स हैं आईएलओ के जो आपको कवर करने हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इसीलिए इस वीडियो को मैंने एडिशनल कहा है, एडिशनल टॉपिक है ये, जस्ट बिकॉज Already we have covered one of the video on ILO, and apart from that, what all things you need to learn about ILO, वो हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं. So let's begin. So as we all know, ILO stands for International Labour Organization, and it got formed, or we can say that it came into formation in 1919. तो इसको पूरे 100 year हो चुके हैं complete 2019 के अंदर. It is the only tripartite UN agency. It brings together government, employers and workers. Tripartite इसलिए ही हो गई है क्योंकि यहाँ पे representatives of government भी होते हैं, representative of employer भी होते हैं, and workers के भी representative होते हैं, of 187 member states to set labor standards, develop policies and devise programs promoting decent work for all women and men. तो जितनी भी वर्किंग क्लास है उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाना, कुछ लेबर स्टैंडर्ड्स बनाना, किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ये काम करती है आईएलओ. बेसिकली इसका फंक्शन ये है, और ये एक ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी है. हिस्ट्री ऑफ आईएलओ में कुछ बेसिक से पॉइंट्स है, देख लीजिए. इस्टैब्लिश्ड इन 1990 बाई ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस एज एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशन. अब ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी जो हमारा लेक्चर है आईएलओ से रिलेटेड उसमें हमने डिस्कस किया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. बिकेम द फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन नेशंस इन 1946. अब ये कैसे कैसे फॉर्मेशन में आई, 1919 में ये बन गई थी, उसके बाद 1946 में ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की. तो वो सारी जो स्टोरी है, कैसे कैसे इसकी मेंबरशिप होती है, कैसे दो प्रोसीजर होते हैं इसकी मेंबरशिप के, कैसे कैसे हम इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, वो सब भी हम आपको ऑलरेडी उस वाले वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं. नाउ हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में, स्विट्जरलैंड, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. फाउंडिंग मिशन क्या है इसका, सोशल जस्टिस इज असेंशियल टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस, ये इसका मिशन है. ओके, प्रमोट्स इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स, रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1969. ये कुछ फैक्चुअल और बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको आईएलओ के बारे में एडिशनली याद रखनी है. रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1969, किस लिए मिला था नोबेल प्राइज़, ये फॉर इम्प्रूविंग पीस अमंग क्लासेस, परसुइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग नेशंस. द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लेड अ की रोल इन इंश्योरिंग लेबर राइट्स ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन मतलब जब एक ऐसा पीरियड आता है जबकि इकोनॉमी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही होती है एंड इकोनॉमी में पैसा नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे जबकि लोगों को देने के लिए काम नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होती है, ऐसे टाइम पे जो ग्रेट डिप्रेशन वाला पीरियड आता है वहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स को एक तरीके से बोले तो एक सेव करने का काम करती है. डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, क्रिएशन ऑफ सॉलिडनॉट्स, इसका मतलब कि ट्रेड यूनियंस इन पोलैंड, तो पोलैंड के अंदर ट्रेड यूनियंस को हम इस नाम से जानते हैं. द विक्ट्री ओवर एफेंट्स इन साउथ अफ्रीका, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स ऑन इंटरनेशनल लेवल, तो वी नीड टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स एज वेल. ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. Today it is providing substantial support in building of an ethical and productive framework for fair globalization. The basic of the ILO is the tripartite principles, that is the negotiations within the organizations held between the representatives of government, trade unions and member states, employers.
अब ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं, देखिए ये आपको जब समझ में आती हैं, जब आप एक